आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी की प्लेलिस्ट में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर हमारा एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था, तो उसमें भी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। तो अब थोड़ा सा इसे हम डिटेल में कुछ एग्जांपल इसके सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगली थ्योरम के लिए जाएंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास अगर दो इवेंट हैं और दोनों इवेंट आपस में डिपेंडेंट हैं, तो उस केस में एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम दूसरे इवेंट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर एक इवेंट हमें गिवन है तो उसके बेसिस पे हम दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया था। जैसे सपोज़ हमने पासा फेंका, तो पासा फेंकने में हमारे पास जो सैंपल स्पेस होता है वो इस तरह से डिफाइन होगा। तो अब इसमें मैंने एक इवेंट डिफाइन किया, गेटिंग इवन पॉइंट्स। तो गेटिंग इवन पॉइंट्स में सपोज़ जो इवेंट मेरा है वो ए है, तो ये जो इवेंट बना ये 2, 4 और 6 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक कंपोजिट इवेंट होगा। तो कंपोजिट इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होते हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस पे बेस्ड भी हमने एक लेक्चर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, एक इवेंट मेरे पास हो गया गेटिंग इवन पॉइंट और दूसरा इवेंट हो गया द इवेंट ऑफ गेटिंग 6। तो इस इवेंट को मैंने बी कह दिया। तो देखिए, दो सेट यहाँ पे डिफाइन हुए, एक ए 2, 4 एंड 6 और दूसरा b विच इज़ इक्वल टू 6। तो इस 6 के आने की प्रोबेबिलिटी इस केस में जब हमें नोन है कि हमें क्या मिले हैं, इवन पॉइंट्स मिले हैं, कितनी होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कहलाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस इवेंट की, वो एक कंडीशन पे बेस्ड है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन है गेटिंग इवन पॉइंट्स। तो इस प्रोबेबिलिटी को हमने देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर गिवन ए से हमने इसे नोट किया था। तो ये कितना हो जाएगा इस केस में, अब जो इवेंट बी है, अब जो यूनिवर्सल सैंपल स्पेस था वो तो हमारा ये था, लेकिन इस कंडीशन के बेसिस पे इस इवेंट के लिए जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, ए होगा। हमने कहा ना बी क्या है, 6 आने का एक इवेंट है, तो इसके लिए जो सैंपल स्पेस होगा वो ये होगा, क्योंकि कंडीशन है गेटिंग इवन पॉइंट्स। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी पॉसिबल आउटकम्स दैट इज़ 1 डिवाइडेड, सॉरी, फेवरेबल आउटकम दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स अंडर द कंडीशन क्या है, गेटिंग इवन पॉइंट्स हमारी कंडीशन है, तो इस कंडीशन पे बेस जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे टोटल वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। अब जो रूल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर गिवन ए, इसे हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये क्वांटिटी हमारी, इसको हम क्या कह रहे हैं, किस तरह से हम इसे अपना नोटेशन दिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फॉर गिवन बी, ये हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फॉर गिवन बी, इसका नोटेशन ये है। और इसका मीनिंग होगा हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैलकुलेट कर रहे हैं जबकि हमें बी की इन्फॉर्मेशन नोन है, और यहाँ पे ए और बी आपस में डिपेंडेंट इवेंट होंगे, जैसे इस केस में है। ये बी हमारा क्या करता है, इस ए पे
डिपेंडेंट है। तो अब या तो ए फॉर गिवन बी होगा या बी फॉर गिवन ए होगा। तो ए फॉर गिवन बी है तो इसके लिए ये रूल अप्लाई होगा, बी फॉर गिवन है गिवन ए है तो इसके लिए ये रूल अप्लाई होगा। तो कभी क्या होता है एग्ज़ाम में आपका ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इस थ्योरम का जो नाम है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये नेक्स्ट थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसे प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में, तो बहुत सिंपल इसका प्रूफ है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर्स इन एस, ये हमें नोन है। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर्स इन एस इन टू नंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या किया, देखिए नंबर्स इन ए से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, तो नंबर्स इन ए से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया और इसको इस तरह से लिख लिया। तो अब देखिए नंबर्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर्स इन एस, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी हमने डिफाइन की थी वो इस तरह की थी, क्या था, नंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर्स इन ए। तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज़ नोन। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया जो यूनिवर्सल सैंपल स्पेस था वो एस था, लेकिन जब हमने कंडीशन अप्लाई की तो हमारा नया सैंपल स्पेस क्या हो गया, ए हो गया। ये कंडीशनल कंडीशन सैंपल स्पेस कहलाया। किसका सैंपल स्पेस है, ये इस इवेंट बी का सैंपल स्पेस है। तो जब इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी होगी तो इस बी की प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, हमारा ए होगा। तो उस केस में नंबर्स इन ए का मतलब है दिस इज कंडीशन सैंपल स्पेस फॉर इवेंट बी। तो इस केस में ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर गिवन ए। तो ये कंडीशनल सैंपल स्पेस के डेफिनेशन से इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं।